मध्य प्रदेश की बैतूल में एक बार फिर आदिवासी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने वर्तमान सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। बैतूल में एक बार फिर आदिवासी व्यक्ति को बेरे में से मारा गया। मारपीट का मामला सामने आने के बाद बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही वाली सरकार है, जो आम जनों को कुचलना चाहती है। एक तरफ सरकार आदिवासियों को रक्षक बनने की बात करती है और दूसरी तरफ आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने पहले ही भी कहा है और आज फिर मैं कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार तानाशाह सरकार है, आम जनता को कुचलने वाली सरकार है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है सरकार, और आदिम समाज की जो संस्कृति, आदिम संस्कृति सभ्यता, वो हमारे लिए पूजनीय है, सम्मानीय है, और ऐसी परिस्थिति में जब सरकार बोल रही है कि हम आदिवासियों के हित रक्षक हैं, संवेदनशील हैं, उसके बावजूद अगर हमारे आदिवासी भाई को बेरहमी से पीटा गया है, मारा गया है, उनके आत्मसम्मान को प्रताड़ित किया गया है, तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि वो जनहितैषी निर्णय लें और आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करने की वो जो बात सदन में करते हैं, अखबारों में करते हैं, वो मूर्त रूप में दिखाने का काम करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।